दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि हरियाणा में जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उनका बुखार पूरी तेज़ी से पूरे राज्य में फैल चुका है। चाहे जनता है, चाहे नेता हैं, चाहे उनके समर्थक हैं, चाहे शहर है, चाहे गांव हैं, अब बस सारी चर्चा हरियाणा विधानसभा चुनावों पर आकर अटक गई है। यदि इसके बाद अगली बात करें तो व्योज ये है कि जो भाजपा और कांग्रेस के टिकट अटके हुए हैं वो सब क्लियर कब होते हैं, तो ये तो माहौल पूरे हरियाणा का है। लेकिन यदि हम फरीदाबाद की बात करें तो दोस्तों, फरीदाबाद की दो सीटों की हम चर्चा फिलहाल कर रहे हैं कि प्रथला सीट पर जो पिछली बार नैनपाल रावत जीते थे और भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया था, बावजूद इसके नैनपाल रावत ने भाजपा सरकार का पूरा साथ दिया और ज़रूरत भी थी जिस तरीके से भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से नैनपाल रावत का टिकट काटा गया है उससे न केवल नैनपाल रावत बल्कि उनके हजारों समर्थक बहुत गुस्से में हैं और इस गुस्से का जो ठीकरा ज़्यादा फूट रहा है वो फरीदाबाद के सांसद व केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर पर पड़ रहा है। नैनपाल रावत की बात करें तो उन्होंने साफ कर दिया है कि मेरे साथ इस बार भी धोखा किया गया है, 2019 में भी मेरे साथ धोखा किया गया था और मुझे टिकट नहीं दिया गया था और मैंने उस समय भी अपनी ताकत का परिचय करके भाजपा उम्मीदवार को हराया और चुनाव जीता, वो तो थी मेरी ताकत। लेकिन चूंकि मैं भाजपा में शामिल हो चुका था और भाजपा के लिए काम कर रहा था, इसलिए जब मौका आया तो मैंने पूरे 5 साल पार्टी की सेवा की और जो अल्पमत में मनोहर सरकार थी उनको अपना समर्थन दिया। लेकिन बावजूद इसके इस बार फिर मुझे भाजपा ने धोखा दिया और वो धोखा भाजपा नेतृत्व को कम, कृष्ण पाल गुर्जर पर उनका गुस्सा फूट रहा। कृष्ण नैनपाल रावत जिस तरीके से अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी उन्होंने जो अपने समर्थकों की प्रथला विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा की है, वो भारी जनसभा थी, उसमें हजारों लोग इकट्ठे हुए और सबके मुंह पर ये की बात थी कि नैनपाल रावत के साथ एक बार फिर धोखा हुआ है और पिछली बार की तरह हम फिर कृष्ण पाल और भाजपा को इस धोखा देने का मजा चखाएंगे। उधर नैनपाल रावत भी सीधे सीधे शब्दों में कह रहे हैं कि उस कृष्ण पाल गुर्जर को मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र से पूरा रात दिन मेहनत करके 66,000 वोटों की बढ़त दिलाई, यानी 66,000 वोट दिलाए, उसके बावजूद कृष्ण पाल गुर्जर ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा और बसपा के पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा को टिकट दे दिया या दिलवा दिया। आगे वो कहते हैं, बेशक कृष्ण पाल मेरे साथ नहीं है,
या इस बार भी बेशक पार्टी ने मेरे साथ धोखा किया है, लेकिन क्षेत्र की जनता और ईश्वर मेरे साथ है। और जब खुद ईश्वर और क्षेत्र की जनता मेरे साथ है, तो जिस तरीके से पिछली बार प्रतला क्षेत्र की जनता ने मेरा सम्मान रखा था, मुझे भारी बहुमत से जिताया था, इस बार भी प्रतला की जनता ने इस जनसभा में ये सबूत दे दिया है कि वो नैनपाल रावत के साथ है, और इस बार भी नैनपाल रावत को ही जीत हासिल होगी। और जो मेरे साथ भाजपा और कृष्णपाल गुर्जर ने धोखा किया है, उसकी भी सजा भाजपा को और कृष्णपाल गुर्जर को मिलेगी। कृष्णपाल क्षेत्र की जनता ने मुझे चुनाव लड़ाने और जिताने का अंतिम रूप से फैसला कर लिया है। ये बात मुझ पर ही नहीं कि मुझ पर ही पहाड़ सा नहीं टूटा है, बल्कि मेरे समर्थकों पर भी पहाड़ टूटा है, लेकिन मेरे साथ पिछला क्षेत्र की जनता है, इसलिए मेरी जीत तय है। और इस बार भी कृष्णपाल गुर्जर को यहाँ पर मुंह की खानी पड़ेगी। उसने मेरा विरोध किया है, भाजपा नेतृत्व को बरगलाया है, और भाजपा नेतृत्व ने भी मेरे साथ इंसाफ नहीं किया है। तो सीधे सीधे आरोप कि भाजपा ने भी धोखा दिया और कृष्णपाल ने भी धोखा दिया, उस कृष्णपाल ने धोखा दिया जिसको मैंने अपने क्षेत्र से 66,000 वोटें दिलवाई। मेरे पास मेरी जनता के लिए तो सब कुछ है, पर इन गद्दारों के लिए फूटी कोड़ी ना कभी पी और ना कभी दूंगा। अगर कमाऊंगा सरकार से व्यापार से तो अपनी जनता में लगाऊंगा, इन भेड़िया के नाते में फैलाऊंगा। आप लोगों से मुझे एक ही बात करनी है। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुझे कृष्णपाल का साथ नहीं देना चाहिए था। सुनो, मैं दोबारा से कह रहा हूं, क्योंकि ये देश कहीं ना कहीं मोदी के लिए बना है। इस मोदी की वजह से मुझे और आपको, और आपने बहुत लोगों ने मना किया, मैंने हाथ जोड़े पैर पकड़े और इसके ये पिछड़ा क्षेत्र में पैर नहीं रख सकता था पैर, और 50,000 से माइनस जाता और जीतता नहीं किसी हालत में भी। पर मैं भाई मरना काला नहीं हूं, मैं तो पेट का भी साफ हूं, जेब का भी साफ हूं। जो मेरे पेट में वो तुम्हारे लिए, जो मेरे जेब में वो भी तुम्हारे लिए। मेरे तो राजनीति खेलने नहीं आती। मैंने मोदी जी को देश में प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रयास किए, मैंने आपको भी हाथ जोड़े, लेकिन मुझे यह नहीं पता था ये गद्दार गद्दार ही रहेगा, ये बंदा इंसान नहीं बन सकता। उधर अब NIT विधानसभा क्षेत्र की बात कर लेते हैं। दोस्तों, NIT विधानसभा क्षेत्र के भाजपा के पूर्व विधायक नगेंद्र भड़ाना का भी गुस्सा कृष्णपाल गुर्जर पर ही फूट रहा है। उनका दावा है कि मेरा नाम टॉप पर था और है, सारी जो एजेंसियां हैं, जितने भी सर्वे हुए हैं, सब में मैं आगे रहा हूं, और ये भाजपा नेतृत्व भी जानता है। लेकिन कृष्णपाल गुर्जर ने पुत्र मोह में मेरी टिकट होल्ड करा दी है, मेरी टिकट रुकवा दी है। तिगांव से भी टिकट अपने बेटे को दिलाना चाहते थे, लेकिन भाजपा नेतृत्व ने उनकी बात नहीं मानी और सिटिंग MLA राजेश नागर को ही टिकट दिया। अब वो मेरी NIT विधानसभा क्षेत्र पर अड़ गए हैं, यहाँ से अपने बेटे को टिकट दिलाना चाहते हैं। उनके समर्थक ये भी कहते हैं कि एक नहीं, वो बड़कल सीट पर भी अपने बेटे के लिए दावा ठोक रहे हैं कि भाई मेरे बेटे को टिकट दो।
तिगाम से नहीं मिली है तो एनआईटी से दो, एनआईटी से नहीं देते हो तो सीमा त्रिखा की काट के बड़कल सीट से मेरे बेटे को सीट दो। तो इतना पुत्र मोह ठीक नहीं है और इस पर, इस पुत्र मोह पर भाजपा नेतृत्व को भी गहनता से विचार करना चाहिए और उनको पार्टी हित में निष्पक्षता से जीतने वाले उम्मीदवारों को ही टिकट देनी चाहिए। एक बात और भूल गया मैं, नैनपाल रावत ने तो ये तक दावा किया कि जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे और 46 डिग्री टेम्परेचर था, उस 46 डिग्री टेम्परेचर में मैं कृष्णपाल गुर्जर को अपने विधानसभा क्षेत्र से जिताने के लिए रात दिन पसीना बहा रहा था और उसी कृष्णपाल गुर्जर ने मेरी टिकट कटवाई है। दोस्तों ये तो दो सीटों के आरोप हैं, बाकी मैंने डिटेल में आपको चर्चा की है। अब देखना ये है कि कृष्णपाल के बेटे देवेंद्र चौधरी को हाईकमान अब कहाँ से टिकट देता है या क्षेत्र के भाजपा नेताओं के विद्रोह के कारण, विरोध के कारण देवेंद्र चौधरी की टिकट रोक लेता है और उनकी जगह जो संभावित उम्मीदवार हैं भाजपा के उन्हीं को टिकट देकर भाजपा में होने वाले विद्रोह से भाजपा हाईकमान बच सकता है। तो दोस्तों अभी तक जो भाजपा के 67 कैंडिडेट घोषित हुए हैं, बाकी हो सकता है कि रात तक हो जाएं बाकी घोषित, लेकिन ये तय है कि भाजपा को कई सीटों पर, न केवल फरीदाबाद बल्कि पूरे हरियाणा में संभावित विद्रोही उम्मीदवारों का विरोध सहना पड़ रहा है। और यही नहीं, जो मजबूत कैंडिडेट हैं या सिटिंग एमएलए रहे हैं वो भाजपा के अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ने से भी नहीं चूक रहे हैं। और यदि विद्रोही उम्मीदवारों ने, नाराज संभावित उम्मीदवारों ने जिनको टिकट नहीं मिला है वो चुनाव लड़े और भाजपा के उम्मीदवारों का विरोध किया, उनके विरोध को भाजपा हाईकमान शांत करने में नाकामयाब रहा, तो इस सब की कीमत भाजपा नेतृत्व को चुकानी पड़ सकती है भाजपा उम्मीदवारों के हार के रूप में। तो दोस्तों देखते रहिए देश रोजाना। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, जो मैंने विचार रखे हैं उन पर अपने आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं कितना सही हूँ कितना गलत हूँ। तो दोस्तों कल मिलते हैं फिर नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।